Hello students, welcome to TSL School, class 12, Mathematics. Introduction and example of exercise 4.1. Like I am starting a new chapter, that is chapter number 4, which is determinants. Okay. So matrix ki jaise hi same hai determinants. Padhne ke liye determinants padhne ke liye humko matrix ko samajhna zaruri tha, jo ki hum samajh chuke hain. Okay. इसी तरह से ये मैट्रिक्स ये बना, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, पहले
minus 1 into minus 12, sorry. Minus 1 into minus 12, minus 13. जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 minus 1. The answer will be minus 52 is answer. The answer will be minus 52. ना, इस तरह से जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, माइनस 52 है ना. अपने बुक में जो कर रखा है उसने क्या किया है, बुक वाले ने, बुक वाले ने थर्ड कॉलम के अकाउंट एक्सपेंड किया है. थर्ड कॉलम के अकाउंट एक्सपेंड करने से क्या हो जाएगा, देखो जैसे ही आप इसको इस वाले कॉलम के अकाउंट एक्सपेंड करते हो, दो वैल्यूज आपकी ऑलरेडी जीरो है, तो मेरा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 4. अब इस वाले कॉलम के अकाउंट एक्सपेंड करूँ ना, तो जब इसके लिए लिख रही हूँ तो इसको और इसको छुपा दूंगी, यानी माइनस 1 1 3 एंड 4, माइनस 1 1 3 एंड 4. नेक्स्ट एंट्री में ये वाली होगी. अब ये देखो ये कितना होता है, ए 1
डिटरमिनेंट निकालने की। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़िए, फिर इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं एक बार इसको, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम इसको और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।